फिर लेट हो गया। और इस जगह पे हमजा भाई क्रिकेट भी खेलते रहे हैं। और थाईलैंड में जो मार्केट है ना, वो सुबह के मोस्टली इधर जो थाईलैंड में आपको खाने मिलते हैं वो फ्रेश मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। टाइम हो गया है जी दोपहर के 4 बज गए हैं और मैं जा रहा हूँ इस वक्त दोपहर का खाना खाने। आज फिर लेट हो गया। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि थाईलैंड में एक मुस्लिम हलाल रेस्टोरेंट पे कौन कौन से थाई खाने मिलते हैं और उनका टेस्ट क्या है और उनकी प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको थाईलैंड की बहुत सी इन्फॉर्मेशन। ये मैं अभी अपने रूम से मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. ये मैं अभी मार्केट में पहुंच गया हूँ। बहुत बड़ी मार्केट है और हर बुध को इधर एक वीकली मार्केट लगती है शाम को, हर बुध वाले दिन। ये थाईलैंड की एक लोकल मार्केट है और बहुत बड़ी है। मोस्टली जो मार्केट में शॉप्स हैं वो रात को ओपन होती हैं शाम के वक्त। और इधर एक फुटबॉल ग्राउंड भी है और इस जगह पे हमजा भाई क्रिकेट भी खेलते रहे हैं। ये अभी बच्चे फुटबॉल खेलने के लिए आए हैं। जो थाईलैंड में एक और बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि जो भी खेलता है ना फुटबॉल, वो प्रॉपर अपने यूनिफॉर्म में, किट में प्रॉपर वो होते हैं अपनी किट में। रेस्टोरेंट आगे उस जगह पे है। वो सामने फुटबॉल स्टेडियम है और ये अभी उधर से मैं आया हूँ। और ये सारी मार्केट है जिसको हम सब्जी मंडी भी बोलते हैं। और थाईलैंड में जो मार्केट है ना, वो सुबह के सहरी के 4 बजे शुरू होती है, 3-4 बजे। हमारे तो नॉर्मली उधर 8-9 बजे दिन की शुरू होती है, लेकिन थाईलैंड में ये सुबह 3 से 4 बजे लगती है और 8-9 बजे के करीब ये बंद हो जाती है। तो भी ये सारी बंद है। मोस्टली इधर हलाल मीट की शॉप है, बीफ है, चिकन है। थाईलैंड में मोस्टली चिकन भी हलाल नहीं मिलता, लेकिन ये बहुत बड़ी मार्केट है और मोस्टली जो शॉप्स हैं वो हलाल चिकन की हैं। बीफ भी मिल जाता है, मटन भी मिलता है हलाल, और इसके अलावा फिश, सी फूड बहुत ज़्यादा मिलता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको पता ही होगा कि थाईलैंड के जो कुज़ीन है वो पूरी दुनिया में फेमस है अपने जायकों की वजह से। थाईलैंड के खाने बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इवन के हमारे सियालकोट में बहुत से थाई रेस्टोरेंट ओपन हो गए हैं और इजीली आपको पाकिस्तान में भी थाई कुज़ीन अवेलेबल है। ये मैं मार्केट के अंदर पहुंच गया हूँ और इधर मोस्टली रेस्टोरेंट है और एक ही हलाल रेस्टोरेंट है। मैं इधर से खाऊंगा।
अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, या तो पहले खाना खाते हैं फिर आपको मार्केट का थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम क्राफ, पाओ कपाओ काए क्राफ, अभी मैंने ऑर्डर कर दिया, इधर से लेंगे ठंडा पानी। और साथ में इधर से लेंगे एक स्ट्रा। अच्छा मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि थाईलैंड में लोग पानी भी स्ट्रा से पीना पसंद करते हैं, इवन कि आप ग्लास में भी स्ट्रा के साथ पानी पीते हैं। तो ये जी मैंने ऑर्डर कर दिया, हला रेस्टोरेंट है और सामने हला दिखा हुआ है, और ये सारे थाई खाने हैं, ये चिकन है, ये भी चिकन है, ये भी चिकन है, ये बीफ है, ये भी चिकन है, ये नूडल है, और ये इनके प्राइस लिखी हुई है, चिकन 50 का और बीफ 60 का। इधर फ्राइड चिकन भी है, फिश भी है, और ये हॉट डॉग है। मैंने जी अपना ऑर्डर कर दिया, चिकन और साथ में वाइट राइस। मोस्टली इधर जो थाईलैंड में आपको खाने मिलते हैं वो फ्रेश मिलते हैं, आपने आके ऑर्डर देना होता है, वो इसी वक्त आपको फ्रेश बना के देंगे। तो जब भी आप अपना थाई खाना ऑर्डर करेंगे तो ठीक 5 से 7 मिनट में आपका खाना रेडी हो के आपको सर्व हो जाएगा, जिस तरह हमारे पाकिस्तानी खाने होते हैं कि लॉन्ग टाइम उनको कुक करना पड़ता है, एक घंटा। तो ऐसा सीन नहीं है थाईलैंड में, आप आके ऑर्डर करें और फ्रेश आपको मिल जाए। ये खाना रेडी हो के आ गया, इधर से लेंगे चम्मच, टेबल पे बैठ के खाएंगे। खाने में जी हमारे पास आ गया है वाइट राइस है, चिकन है, और ये ग्रीन था जो आपको नज़र आ रहा है ये तुलसी के पत्ते हैं, इसको बासिल बोलते हैं इंग्लिश में, और ये थाईलैंड की बहुत फेमस डिश है। ये थाई में इसको कपाओ काई बोलते हैं, कपाओ इसको बोलते हैं, ये तुलसी के पत्ते को कपाओ, और काई चिकन को बोलते हैं कपाओ काई। तो ये बड़ी मज़ेदार डिश है और मैं मोस्टली रेस्टोरेंट पे यही खाना।